नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 28th मुकाबला नेल्लई रॉयल किंग्स बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स। दोस्तों तीन टीम्स अभी तक क्वालिफाई कर चुकी हैं, लाइका कोवई किंग्स, चेपक सुपर किलीज और डिंडीगुल ड्रैगन्स। एकमात्र टीम अब यहां से प्लेऑफ्स की रेस में आएगी, क्या वो होगी ट्रिकी ग्रैंड चोलास या फिर आई ड्रीम त्रिपुर तमिजांस, इसका फैसला तो आज होने वाले मुकाबले में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले की, मैच नंबर 28 एनपीआर कॉलेज ग्राउंड यानी कि डिंडीगुल में ये मुकाबला होगा। अब यहां से क्या डिंडीगुल ड्रैगन्स मुकाबला जीतकर सेकंड पोजीशन पर आ सकती है, ये देखना होगा दिलचस्प। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्री मैच एनालिसिस की वेन्यू के साथ। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड यानी कि डिंडीगुल में अभी तक T20 फॉर्मेट के 65 मुकाबले हुए हैं, 27 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 38 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। अब इस सीजन में जो पहला मुकाबला इस ट्रैक पर हुआ था, फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ने जीता था। हालांकि कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो वो है 156 का। हाईएस्ट स्कोर है नेल्लई रॉयल किंग्स का 209 रन और लोएस्ट स्कोर बनाया है मदुरई पैंथर्स ने 59 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 29 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच 11 बार, 170 से 189 के बीच 15 बार और 10 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। 160 से 170 के बीच अगर स्कोर जाता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। अब यहां पर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो TNPL 2024 में हुए एकमात्र मुकाबले में 12 विकेट यहां पर चटकाए गए थे, 4 विकेट पेसर्स ने और 8 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर दोनों ही टीम के स्पिनर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आ सकती हैं। नेल्लई रॉयल किंग्स की अगर हम बात करें तो भले ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना कर सकी हो, लेकिन लास्ट मुकाबले में जीत दर्ज करके एक अच्छे नोट पर यह सीजन खत्म जरूर करना चाहेगी। अरुण कार्थे, ए गुरुस्वामी, सोनू यादव, एन हरीश, साथ ही साथ आर सिलंबर असम जैसे कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर हम सभी को नजर रखनी चाहिए। अब यहां पे अरुण कार्तिक की अगर आप बात करें, टीम के कप्तान, 6 मैचेस खेल चुके हैं इस सीजन में, 215 रन इन्होंने बनाए हैं 143 के स्ट्राइक रेट से। वहीं अजितेश ने 6 मैचेस में 109 रन अपने खाते में जोड़े हैं 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। यहां पर सोनू यादव का ऑलराउंड प्रदर्शन हमें देखने को मिला है, जिन्होंने 6 मैचेस में 103 रन जोड़े हैं 160 के स्ट्राइक रेट से और 7 विकेट भी टीम के लिए चटकाए हैं। वहीं आर सिलंबरसम एज अ बॉलर सबसे सफल रहे हैं, इन्होंने 6 मैचेस में 9.6 की इकोनॉमी के साथ 8 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो ये हैं वो 4-5 खिलाड़ी नेल्लई रॉयल किंग्स की ओर से जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम डिंडीगुल ड्रैगन्स की बात करें तो विमल कुमार, शिवम सिंह, बाबा इंद्रजीत, ये टॉप 3 बैटर्स टीम के लिए हमेशा कारगर साबित हुए हैं। बाबा इंद्रजीत ने अगर आप देखें तो 6 मैचेस में 240 रन बनाए हैं 150 के स्ट्राइक रेट से। शिवम सिंह ने 6 मैचेस में 226 रन जोड़े हैं 142 के स्ट्राइक रेट से और टॉप ऑर्डर में ओपनर। विमल कुमार ने 121 रन अपनी टीम के लिए जोड़े हैं 135 के स्ट्राइक रेट के साथ। इन तीन बल्लेबाजों के साथ साथ जैसा कि वेन्यू का प्रदर्शन रहा है, स्पिनर्स के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और वरुण चक्रवर्ती दोनों पर ही दारोमदार रहने वाला है, जहां अश्विन ने 6 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं 7.6 की इकोनॉमी के साथ और चक्रवर्ती ने 5 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं 7.4 की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए। अब ओवरऑल अगर आप देखें, फाइनल कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े तो डिंडीगुल ड्रैगन्स एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार है। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जीतकर डिंडीगुल दूसरे पायदान पर आने की पुरजोर कोशिश कर सकती है। दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, CLG को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।